तो ये बात है उस जमाने की जब हम बच्चे हुआ करते थे। और हाँ, जो कि आपको पता ही होगा बच्चों का दिमाग कितना ओवरथिंकिंग होता है, जो कि हमारा भी था। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी लाइन के साथ कि जब भी लाइफ में कुछ गलत होता है, जी गौर फरमाइएगा कि जब भी लाइफ में कुछ गलत होता है सब गलत होता है। पता नहीं ये क्या बकैदी बोल दी मैंने। खैर, ये लाइन इसलिए जो कि आज से एक महीने पहले मैं अपने घर जा रहा होता हूँ, बढ़िया बन ठन के फटाक से रूम से निकलता हूँ और बैठ जाता हूँ बस में। फिर जो मेरे साथ होता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहला जो कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट, फिर मैं बैठा हूँ 2 घंटे अपने वैसे कैसे कटे मेरे को कुछ नहीं पता। फिर जैसे तैसे एक गाड़ी आती है, मैं दाएं देखता ना बाएं और सीधे फटाक से चढ़ जाता हूँ। ये मेरी दूसरी गलती। अब आप बोलोगे कि बेटा गाड़ी तो तुझे मिल गई, पर नहीं यार, जो कि मुझे जिस स्टेशन पर रुकना था वो उस स्टेशन पर रुकी नहीं। मेरे हाथ पाँव कपने लगे, डर का माहौल पैदा होने लगा और मैं बस पूरे रास्ते यही सोच रहा हूँ अब रुकेगी अब रुकेगी अब रुकेगी। तो खैर, मेरी इस स्टोरी का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। अबे साले, मैंने मजे में ही सुना थी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये कहानी मैं और मेरे चार दोस्तों की, जो कि भूतिया तरीके की होने वाली है। तो खैर, आपको पता ही होगा जो कि हमारे दादा दादी हमें बचपन में भूतों की कहानी सुनाया करते थे, जिसे हम बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुनते थे, भले ही फिर हम अपने कमरे से बाहर मूदने तक खुना निकले हैं। तो इस वीडियो में हम किसी का ओरिजिनल नाम नहीं रखेंगे, तो मैं और मेरे दोस्तों का नाम चिंटू, पिंटू और भूरा, जो कि हम चारों का प्लान बनता है कुछ एडवेंचर करने का। तो बस बन गया प्लान, निकल पड़े। तो प्लान के मुताबिक जो हमारी लोकेशन होती है, गांव के बाहर एक बगीचा, यहाँ पे एक इमली का पेड़ था जो कि बहुत फेमस था सरावनी चीज़ों के उसमें, और टाइम जो कि 2 से 3 के बीच। तो बस एक्साइटमेंट में हम सोते ही नहीं हैं, और इस टाइम हमारी जो एज थी कुछ 8 से 10 साल, और वो घड़ी आ चुकी है जब हम हमारा डेरा लेके निकल पड़ते हैं। और डेरे में कुछ नहीं, सिर्फ एक लठ और एक चाकू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और आपको पता है जब हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता हो कि यहाँ इस कुछ ऐसा है, ये है वो है, तो हमारी और ज़्यादा फटे में रहती है। तो बस हमारी भी थी। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। यार, भूत को देखने की इतनी चुलती ना, ये कुछ नहीं दिख रहा था, पर साला भूत भी नहीं दिख रहा था। समय बीतता गया, 1 घंटे निकल गए, धीरे धीरे 2 घंटे निकल गए, अब बज गए 5। होने लगी सुबह। तो यार फिर गया हम लोग वापस। क्या यार आप लोग भी, खैर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या बकैदी थी ये, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।